आगामी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए महाराजगंज में भाजपा अपने प्रत्याशियों को सभी ब्लॉकों से चुनाव में उतारने की पूरी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है, जिसको लेकर बीते दिन महाराजगंज सांसद पंकज चौधरी के नेतृत्व में नौतनवा के एक मैरिज हॉल में नव निर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ बैठक में यह बातें बताई गयी। आपको बता दें, नौतनवा क्षेत्र से भाजपा ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव नौतनवा के छपुआ निवासी राकेश कुमार मधेसिया को चुनाव में उतारने का फैसला लिया है, जिसका आह्वान भाजपा ने कर दिया है। ब्लॉक प्रमुखी उम्मीदवार राकेश कुमार मधेसिया मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भाजपा के द्वारा मुझे नौतनवा क्षेत्र से जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को मैं पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ निभाते हुए आगामी ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ूंगा और भाजपा के सहयोग से इस चुनाव को हर हाल में जीत कर नौतनवा क्षेत्र की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए नौतनवा क्षेत्र का चौमुखी विकास करने का संकल्पित रहूंगा। आज की बैठक में हमारे 86 बीडीसी उपस्थित थे। 86 बीडीसीओं ने सर्वसम्मत से आज हमको अपना प्रत्याशी चुना है। बिना किसी दबाव के वो आज हमारे साथ पूरा चुनाव में लगे रहेंगे और हमको विजयी बनाएंगे। मैं राकेश मधेसिया, ग्राम छपवा, पोस्ट नौतनवा से लगातार तीसरी बार क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव निर्वाचित हुआ हूं। इस चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? इस तरह से नव निर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों का समर्थन मिलना आपको? मेरे पुराने अतीत को देखते हुए सारे बीडीसी हम पे भरोसा जता रहे हैं। हम युवा हैं, हमारे अंदर कुछ करने की तमन्ना है। हम चाहेंगे कि 5 साल सारे बीडीसी को काम, सड़क, मिट्टी का कार मनरेगा के द्वारा मिलेगा और ना हमारे कार्यकाल में कोई बीडीसी छोटा बड़ा होगा, सभी बीडीसी प्रमुख के बराबर रहेंगे। उनका पद मैं प्रमुख के बराबर अपने बगल में बैठाने का काम करूंगा और सम्मान देता रहूंगा। अगर आप नौतनवा क्षेत्र से ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं तो आप मुख्य सबसे पहले किन किन बिंदुओं पर काम कराएंगे? यहाँ जल की समस्या, बिजली की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या को सर्वप्रथम लाएंगे, क्योंकि हम पूरे क्षेत्र में घूमे हैं, देखे हैं, बहुत दयनीय स्थिति है, उसको मैं दूर करने का प्रयास करूँगा अपने बीडीसीओ के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। वही सवाल नहीं करा,